जय गोरिया बाबा देवा कानपुर थाना गढ़हनी जिला भोजपुर आरा बिहार। आप सभी भक्त को गोरिया बाबा की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। इस जो इसी पाता से आप लोग कहीं भी आ सकते हैं, देखिए पंपलेट पर जो लिखा गया है इसी पाता से आप लोग गोरिया बाबा के दरबार में आ सकते हैं। आरती न्यूज के माध्यम से, समृद्धि न्यूज के माध्यम से आप देख सकते हैं आशीष अंजल ऑफिशियल, ये बाबा का चैनल है। इस चैनल से आप लोग देख करके शेयर लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी आ रहे हैं पहले नियम से है। जय गोरिया बाबा देवस्थान पहाड़पुर थाना कढ़हनी जिला भोजपुर आरा बिहार। आप सभी भक्त को गोरिया बाबा की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। जय गोरिया बाबा, जय गोरिया बाबा देवस्थान पहाड़पुर थाना कढ़हनी जिला भोजपुर आरा बिहार। आज हजारों संख्या के लगभग में अनगिनत लोग हैं जो पूजा में शामिल हुए हैं गोरिया बाबा के दरबार में। आज 5 वर्षों के बाद ये पूजा जो हो रहा है, तो गंगा जी में जाने वाला हम लोग थे लेकिन कुछ कारणवश आदेश अनुसार हम लोग नहीं जा पाए। यहाँ पर विधिवत पूजा होगा गोरिया बाबा का, जिनका बाल बच्चा नहीं है, जिनका कोई प्रॉब्लम है, दुख दर्द है, भूत प्रेत है, आज वही पूजा होता है गोरिया बाबा के दरबार में। जय गोरिया बाबा देवस्थान पहाड़पुर थाना गढ़हनी जिला भोजपुर आरा बिहार। बोलो गोरिया बाबा के जय, गोरिया बाबा के जय जय, गोरिया बाबा के जय जय, गोरिया बाबा के जय जय, देखिए ये सब भक्त लोग रहने का मराई उड़ी है झोपड़ा झोपड़ी है। यहाँ पर रात्रि में विराम के लिए, अपने रहने के लिए, आराम करने के लिए अपना लोग यहाँ पर बनाए हुए हैं मराई, जो कि गोरिया बाबा के दरबार में जो भी आता है उनका कल्याण हो जाता है। जय गोरिया बाबा देवस्थान पहाड़पुर थाना गढ़हनी जिला भोजपुर आरा बिहार। ये जो कलश में दिया जा रहा है वो गंगाजल है, गंगाजल को सभी माताएं बहनों भाइयों को दिया जा रहा है गंगाजल कलश में। बहुत ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनका यहाँ पर आने से बहुत कल्याण हुआ है, इसमें 90% वही लोग आए हैं जिनका कल्याण हो गया है। जय गोरिया बाबा, न्यू लोगों को सभी को माना कर दिया गया है, वो लोग अपने अपने घर पर है, उनको बता दिया गया है कि आप लोग अपने घर पर ही रहे, आप अगला बीट में आप लोग आइएगा कंडे के दिन। जय गोरिया बाबा।